दोस्तों, हम सभी शैम्पू का इस्तेमाल तो अपनी जिंदगी में करते ही हैं, चाहे सर्दियों में कुछ कम, गर्मियों में थोड़ा ज्यादा ही करें। शैम्पू एक अजीब मिक्स है जो किसी को समझ में नहीं आता। ये किसी साबुन की तरह हार्ड नहीं है, लेकिन इसे रब करने पर फिर भी झाग निकलता है। आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल उठता ही होगा कि आखिर शैम्पू काम कैसे करता है और इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा। आज हम इसी प्रोसेस को आपके सामने लाए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। शैम्पू बनाने के लिए हमें पहला इंग्रेडिएंट चाहिए होता है पानी। शैम्पू का 60-80% हिस्सा सिर्फ पानी ही होता है। इस पानी का डीआयनाइज्ड होना जरूरी है ताकि बैक्टीरिया डिग्रेडेशन को कम से कम किया जा सके। साथ ही इस पानी में बाकी चीजों को मिक्स करने के लिए इसका तापमान भी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के करीब होना चाहिए। पानी के बाद इसमें सबसे पहले सर्फेक्टेंट्स का डाला जाना जरूरी होता है, लेकिन सर्फेक्टेंट्स जैसे कि सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेथ सल्फेट या अमोनियम लॉरेल सल्फेट ही असल मायनों में शैम्पू में क्लीनिंग का काम करते हैं, जिस वजह से इन्हें डिटर्जेंट्स भी बोला जाता है। इनके साथ एक परेशानी ये है कि ये पानी में आसानी से मिक्स नहीं होते। पानी में नॉर्मली जाने पर ये पानी में छोटे छोटे गॉब्यूल आइलैंड बना लेते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि पानी और सल्फेक्टेंट्स को मिक्स करने के लिए इन्हें एक इनलाइनर मिक्सर में डाला जाए। इनलाइन मिक्सर में एक तरफ से सल्फेक्टेंट ऐड किया जाता है और दूसरे पाइप से पानी अंदर जाता है और फिर मिक्सर में जाकर ये अच्छी तरह घूमते हैं। जैसे ही ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो आपको पानी और ज्यादा गाढ़ा दिखने लगेगा। इसके बाद इस मिक्स में बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है। इनिशियल सल्फेक्टेंट्स ऐड किए जाने के बाद इसमें फॉर्म बूस्टर डाले जाते हैं जो झाग बनाने में मदद करेंगे और कस्टमर को एक रिच क्रीमी फॉर्म देंगे। इसके लिए कोकामिडोप्रोपाइल बिटेन को ऐड किया जाता है जो पूरे शैम्पू का 5-10% हिस्सा होता है। इसके बाद शैम्पू को और भी गाढ़ा करने के लिए इसमें थिकनर के रूप में मिथाइल सेल्यूलोस ऐड किया जाता है। थिकनर के बाद कंडीशनिंग एजेंट्स की बारी आती है जो सल्फेक्टेंट्स के हार्श इफेक्ट को कम कर देते हैं और आपके शैम्पू के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा सॉफ्ट बना देते हैं। अब हर एक चीज जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है उसमें हमेशा बैक्टीरिया से खराब होने का खतरा बना रहता है, इसलिए प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर इस मिक्स में बेंजाइल अल्कोहल डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव्स के बाद अब बारी आती है शैम्पू को थोड़ा लुक्स में अच्छा करने की, जिसके लिए इस मिक्स में एक सिंथेटिक कलर और फ्रेग्रेंस के लिए कुछ केमिकल्स एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। अब पूरे मिक्स को कंपाउंडिंग के लिए आगे एक कंपाउंडिंग मशीन में भेज दिया जाता है। ये कंपाउंडिंग मशीन एक ऐसा बड़ा स्टेनलेस स्टील मिक्सर है जिसमें एक बार में 11,000 लीटर लिक्विड को आपस में मिक्स किया जाता है और 1-4 घंटे तक इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपके पास एक शैम्पू मिक्स तैयार हो जाता है। इस शैम्पू मिक्स के एक सैंपल को लैब में क्वालिटी कंट्रोल के लिए भेजा जाता है, जहां इसकी कई लेवल पर जांच की जाती है। सबसे पहले शैम्पू का पीएच लेवल देखा जाता है ताकि ये पता किया जा सके कि स्किन पर इसका कोई बुरा असर ना हो। पीएच लेवल के बाद इसके गाढ़ेपन से लेकर इसके कलर, ऑडर और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी नंबर दिए जाते हैं। अगर ये शैम्पू मिक्स सभी टेस्ट पास कर लेता है तो इसे बड़े बड़े पाइप्स से बॉटलिंग सेक्शन की तरफ भेज दिया जाता है। बॉटलिंग सेक्शन में पहले से ही तैयार बॉटल्स को नोजल के नीचे रख दिया जाता है, जिसमें से शैम्पू निकलता है और मशीन बॉटल्स को नियमित मात्रा में भर देती है। भरी हुई बॉटल्स आगे बढ़ती रहती हैं और इसके बाद इन पर कैप्स और लेबल्स लगा दिए जाते हैं। आगे जाकर प्लांट में एक मशीन ये भी चेक करती है कि सभी बॉटल्स भर गई हों, जिसके लिए इनका वेट चेक होता रहता है और खाली बॉटल्स को ऑटोमेटिकली इस लाइन से बाहर कर दिया जाता है। बॉटलिंग के बाद ये बॉक्सेस में पैक हो जाती हैं और पूरी दुनिया के अलग अलग स्टोर्स में इन्हें भेज दिया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक सिंपल से प्रोडक्ट के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही कैसे कैसे प्रोसेस से इन्हें गुजरना पड़ता है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे समझ पाए होंगे। आपको कौन सा शैम्पू बेस्ट लगता है हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।